बता देना भी सभी को, मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग ने मेरे नेक्स्ट सारे ब्लॉग को बहुत प्यार दिया, तो ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तो देखिए सुबह हो गया है, मैंने अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए रेडी कर लिया है, शॉवरूम साफ कर लिया है, आंगन धो लिया है। देखिए ये देख सकते हैं, आंगन मैंने धो लिया है। अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर में नहाने के लिए, क्योंकि मेरे बेटा को तैयार कर दी हूँ, अब उसे स्कूल भेजना है। ये देखिए मेरा बेटा रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए, बहुत रोता है। और यहाँ देखिए मेरी बेटी खेल रही है, इसे मैंने खिला दिया है सरलक्ष दूध पिला दिया। और अभी देखिए अपना खेल देखो, जिसे देखना होता है, इतनी रोटी नहीं, बस का पेट भरना चाहिए, बस इसे खेल रही है, इसे बस ध्यान देना कहीं गिरे नहीं। थी नहीं राशि मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता मैं बना रही हूँ दलिया। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं। बस टमाटर डाल, तो देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। मैं दलिया कुकर में बना रही हूँ, कुकर मैंने देखिए मैं घी डाल दिया है। और ये देखिए मैं यहाँ दलिया बना रही हूँ, मेरा घी गर्म हो गया। मैं इसमें देखिए दो तीन लहसुन की कलियाँ है, उसे मैं डाल दे रही हूँ। हल्का सा उसे मैं भून लूँगी थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा भी आपको मतलब खूबसूरत टाइप का नहीं करना, जलाना नहीं है। जलने के बाद उसका अजीब सा फ्लेवर आता है, जैसे मुझे लहसुन का फ्लेवर पसंद नहीं आता है। उसके बाद मैं इसमें जीरा डालूँगी, आप बहुत सारे वेजेस डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं देखिए सिंपल तरीके से ईजी जो आपके पास घर में तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद मैं देखिए दलिया मैंने यहाँ डाल दिया, मैं चार लोगों के लिए बना रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप कितने लोगों के बने कम बेसी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे दलिया को डाल के मैं भून ले रही हूँ। उसको मैंने यहाँ पर एक टमाटर, बड़ा टमाटर मैंने काटा हुआ, उसमें डाल दे रही हूँ। ज़्यादा लोगे तो आप दो टमाटर डालिएगा। आप इसके जगह फिर जब मिक्सी जब टमाटर डाला हो, उसमें आप वेजिटेबल डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, फिर मटर डाल सकते हैं। उसका देखिए यहाँ पर मैंने मसाला का घोल बनाया हुआ था, इसमें हल्दी है, धनिया पाउडर है, जीरा गोलकी पाउडर है, हल्का लाल मिर्च पाउडर मिला के मैं इसे भी अच्छी तरीके से मसाले के साथ मैं दलिया को भूंज लूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी डालकर, एक लोटा पानी डालकर, एक लोटा और उससे हल्का सा ज़्यादा, मतलब खाने का इसका लीड बंद करके इसमें कम से कम आपको चार सीटी आने देना है। मेरी देखिए तबीयत ख़राब है, तो गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन देख अब बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आपको ये दलिया लगेगा, बहुत हेल्दी भी होता है। और अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं दलिया, आपको दूध का भी दलिया जानना चाहते हैं किस तरह से मीठा दलिया बनता है, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगी। और बच्चों के लिए ये नमकीन दलिया बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था और गोलकी जीरा पाउडर आप नहीं डालिएगा, जीरा पाउडर डाल सकते हैं, बाद में डालिएगा जब थोड़ा सा दो तीन सीटी आ जाए, उसको बच्चे के लिए निकालने के बाद फिर डाल के एक सीटी लगा दीजिएगा। देख सकते हैं दलिया कितना स्वादिष्ट, कितना अच्छा लग रहा है। बाकी का डाला है, लहसुन डाला है, घी से इसे बनाइए, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी मैंने इसे बना के रख लिया, अभी घर में कोई खाने के लिए है नहीं, फिर भी मैंने नाश्ता बना के रख लिया। और यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई चलाई, मैं बनाने वाली सब्जी, सब्जी किस चीज़ करने वाली, आलू और झींगी की सब्जी बनेगी। वहाँ मैंने देखिए दाल चढ़ा दिया है, बहुत मैसी मैसी है, क्योंकि मैं और मेरी बेटी घर पर, और मेरी बेटी को गोदी में लेके मुझे बनाना हो रहा है। इसी कारण से जितना हो पा रहा जल्दी मैं कर रही हूँ। इसे गोद में रख के मुझे खाना बनाना हो रहा है। नीनिया खड़ी हाई फा रही, नीनिया नहीं आ रही है। अब मुझे सारा काम भी करना है, और ये भी उठ गई है मेरे साथ, मुझे खाना बनाने देगी या नहीं। सारा काम हो गया, मैं देखे यहाँ पर बर्तन भी धो रही हूँ, बर्तन भी सारा बहुत ज़्यादा हो गया था। अब मेरे पापा जी अपने ससुर और मेरे सास आ गए थे, तब बाप बेटी को संभाल रही थी, तब मैं सब धो रही थी। इस जल्दी जल्दी मुझे काम भी करना, देखती हूँ मैं कैमरा में आ रही है कि नहीं कैमरा, क्योंकि मेरा अच्छा आता ही नहीं है, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब है। तो जैसा भी आ रहा है प्लीज़ पर सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट से एक दिन ज़रूर मैं अच्छा मोबाइल के कैमरा भी ले लूँगी, बस आप सबका सपोर्ट। मेरी तबीयत भी ख़राब है, आवाज़ आप लोगों को थोड़ा सा पता चल रहा है, कि यहाँ इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जो आपकी तरफ क्या बारिश हो रही है मुझे कमेंट करके बहुत बताइएगा। यहाँ सुबह 5 बजे से जो बारिश हो रही है, बारिश होते ही है, तो देख सकते हैं। मैं यहाँ सारा बर्तन धो के मैं इसमें लग रही थी, मैं बेसिन के पास मैंने इसे खरीदा हुआ है, ताकि सारे जो बर्तन का पानी है वो बेसिन में जाता है, उसका फिर अच्छा तरह से जो ग्लास है वो सूख भी जाता है। मैं उससे जहाँ से रखना होता है सही जगह मैं उसे रख भी देखती हूँ।
बाकी आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें ज़रूर। और मैं अभी मैं नहीं बना पा रही हूँ ब्यूटी के प्रोडक्ट वाले वीडियो या बहुत रिव्यू नहीं बना पा, मैं जल्दी बनाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरे बच्चों को भी तबीयत अच्छी नहीं है, तो इसी कारण से मैं भी सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। और इतना करते करते मैं इतना थक जाती हूँ कि फिर मैं सो ही जाती हूँ, तो इसी कारण से फिर भी आप तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार देते रहिएगा। मेरा ये बैक पेन इतना ज़्यादा कर रहा है कि मैं 10-15 दिन से परेशान हूँ। डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड एक्सरे करने बोला है, उसके लिए मुझे टेंशन है। आप लोग प्रे कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ढेरों सारा प्यार दीजिएगा। आज कर्मा है, कर्मा के लिए आप सभी मैं सबको कहना चाहूँगी हैप्पी कर्मा। मैंने सोचा था कि मैं कर्मा में एक का वीडियो बनाऊँगी मैम, लेकिन मैं नहीं कर पाई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाकी लव यू गाइस, बाय बाय। देखिए बारिश हो रही है, बारिश का आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी।